रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत तक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक के 200वें साल पूरा होने के मौके पर एक प्रोग्राम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब जम्मू और कश्मीर में 90 सीटें हो गई हैं। इसमें जम्मू की 43 और कश्मीर की 47 विधानसभा सीटें हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में मतदान सूची में संशोधन शुरू कर दिया है। 31 अगस्त तक ड्राफ्ट रोल तैयार हो जाएगा। इसके दो दिन बाद यानी 2 सितंबर 2022 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख को लेकर जानकारी सामने आ जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पीओके और गिलगित पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। विलय के बाद अगर जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होता तो अलगाववादी ताकतें इतनी मजबूत नहीं होती। यहाँ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं जिसके लिए पड़ोसी देश अहम भूमिका निभा रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और सरकार बनाई थी। राज्य में मौजूद विधानसभा सीटों की संरचना में भी बदलाव किया गया है। प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू की विधानसभा सीटें 37 से बढ़ाकर 43 और कश्मीर की 46 से बढ़ाकर 47 किए जाने का प्रस्ताव है। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।